गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा। स्वामी जी, सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी से एक भाई ने पूछा, बाबा जी मुझे नामदान मिले कई दिन हो गए लेकिन मैं भजन सुमरन नहीं करता। बाबा जी, आप जी मुझे कृपा करके बताइए, क्या मैं भजन सुमरन नहीं करता तो क्या मुझे आप लेने अंत में आएंगे या नहीं? सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम से फरमाया, देखो बेटा, वह मालिक तो हर एक को लेने आएगा, बस कमी कहाँ रहेगी कि हम अंत में उस मालिक की पहचान कर पाएंगे या नहीं। अगर हमने उसकी पहचान अंत में करनी है तो हमें भजन सुमरन करना पड़ेगा। यदि हम नित नेम से भजन सुमरन करेंगे तो हम उस मालिक को अंतर रूप में, यानी कि हमारे अंतर्मन में उसके दीदार यानी कि उसके दर्शन कर लेंगे, जिससे कि हम उस मालिक की पहचान कर लेंगे। जब अंत में वह हमें लेने आएगा तो हम उस असल मालिक की पहचान करके उसके साथ चले जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि वह मालिक किसी को लेने नहीं आता। चाहे आप सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, वह मालिक हर एक जीव को लेने आता है। बस कमी रहती है उसकी पहचान की, हम उसे पहचान नहीं पाते। अब बात आती है कि उसे पहचान कैसे करनी है। तो भजन सुमरन एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम हमारे अंतर्मन में उस मालिक के स्वरूप का दीदार या दर्शन कर सकते हैं, जिससे कि हमें अंत समय जब वह मालिक लेने आता है तो पहचान करने में आसानी होती है। वरना लेने तो सभी को आएगा लेकिन पहचान नहीं कर पाए तो साथ कौन जाएगा। अगला प्रश्न बाबा जी महाराज जी से किसी बहन ने पूछा, बाबा जी महाराज जी, मैं भजन सुमरन करने बैठती हूँ तो मेरा मन अलग अलग प्रकार के डरावने ऐसे स्वरूप मेरे सामने खड़ा कर देता है, जिसके कारण मुझे बीच से ही भजन सुमरन को छोड़ना पड़ता है। मैं क्या करूँ? कृपा करके मुझे मार्गदर्शन बताइए। बाबा जी महाराज जी ने समझाया, देखो बेटा, भजन सुमरन एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम कुल मालिक की असली पहचान कर सकते हैं और हमारे अंतर्मन में उस मालिक के स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। अब जो आप कह रहे हैं कि डरावने जो दृश्य आपके सामने प्रस्तुत मन करता है, तो वह तो मन की चाल है। वह कभी भी उस कुल मालिक से मिलने का रास्ता आसानी से हमें बनाने नहीं देता। अब हमें करना क्या है? मन के बहकावे में ना आते हुए, मन को और ताकत ना देते हुए हमें भजन सुमरन पर ध्यान देना है। आप जी जितना डरोगे मन से, वह उतना ताकतवर होता जाएगा और उतने प्रभाव आपके मन पर डालता जाएगा, जिससे कि आप अपने भजन सुमरन के मार्ग से भटक जाओगे। तो आप कृपा करके भजन सुमरन में ध्यान लगाए रहे और उस मालिक पर भरोसा रखें। धीरे धीरे आप साधारण और सरल रूप से भजन सुमरन में वापस ध्यान लगाना शुरू कर दोगे। सत्संग जी, अगला सवाल एक लड़की ने पूछा, बाबा जी महाराज जी, मेरा कुछ समय के बाद एग्जाम है, आप कृपा करके ऐसी दया मेहर करना कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊँ। बाबा जी महाराज जी ने समझाते हुए कहा, बेटा देखो, अगर पढ़ाई की है तो पास जरूर होगी, वरना बाबा तो आपको पास नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि पढ़ाई आपने करना है। अगर आपने पढ़ाई की है तो ज़रूर बख्शिश होगी, वरना आप कहें मेरे पास खड़े होकर कि बाबा जी पास करवा देंगे, तो बेटा ऐसा है ही नहीं। मुझे कहना बड़ा आसान है कि जाओ पास हो जाओगे, लेकिन पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की, तो आप पास नहीं हो पाओगी। सत्संग जी, अगला प्रश्न एक भाई ने पूछा, बाबा जी मुझे नामदान लिए लगभग 30 से 40 साल हो गए लेकिन अंतर्मन में ना तो कोई ध्वनि सुनाई दी और ना ही प्रकाश दिखाई दिया, मैं क्या करूं? बाबा जी महाराज जी ने कहा, देखो बेटा, किसी को 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल हो गए भजन सुमरन लिए हुए, लेकिन अगर हमने नाम लेने के बाद कमाई की ही नहीं, तो चाहे आप 100 साल तक क्यों ना नामदान लेके रख लो, कोई कमाई होने वाली है ही नहीं। हमें नामदान लेने का मतलब ये नहीं कि हम संत बन गए या हमें मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, यह तो उसी तरह से जैसे कि एक बालक स्कूल में दाखिला लेता है। अब पढ़ाई तो उसने करना है, शिक्षक तो उसे पढ़ाकर चला जाएगा, लेकिन पढ़ाई तो उसे करना है, ध्यान तो उसे लगाना है। ठीक इसी प्रकार से हमें नामदान मिलने के बाद इतना बेफिक्राई से नहीं रहना चाहिए। हमें भजन सुमरन में समय देना है और कमाई करना है, तभी जाकर हम उस मालिक के नूरी स्वरूप के अंतर्मन में दर्शन कर पाएंगे, तभी हमारी तरक्की होगी। सत्संग जी, शिक्षा वाणी को विराम देते, ये कुछ सवाल जवाब थे जो आपके सामने हमने साझा किया। अगर ये अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके। जी, अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा। स्वामी जी, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।